नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं गरिमा। खबर पर बढ़ते हैं, उसके पहले जरूरी बात, क्या हाल है यूपी? शुरू हो चुका है, अब सौरभ द्विवेदी दी ललन टॉप पर नहीं दिखाई देंगे। उनको देखने सुनने का एक नया पता है, हमारा नया चैनल ललन टॉप यूपी, जहां पर चुनावी कंटेंट तो है ही, साथ में है व्लॉग, बदकुचन, लाइव ज्ञान और बहुत कुछ नया। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल, चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टीन ने मंगलवार 31 अगस्त को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज ने ट्विटर पर अपने 17 साल लंबे करियर के अंत का ऐलान किया। स्टीन ने साउथ अफ्रीका के लिए 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 मैच खेले। डेल स्टीन ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की तस्वीरों के साथ एक पोस्ट लिखकर ये घोषणा की। डेल स्टीन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 20 साल की ट्रेनिंग, मैच, यात्राएं, जीत, हार, भाईचारा, खुशियां, बहुत सी यादें हैं कहने के लिए, बहुत से चेहरे हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं आधिकारिक तौर पर उस खेल से संन्यास ले रहा हूं जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं। उन्होंने इसके साथ ही अपने परिवार, टीम के साथियों, पत्रकार और क्रिकेट फैंस को इस सफ़र में उनका साथ देने के लिए शुक्रिया किया। क्रिकेट इतिहास में बड़े से बड़े गेंदबाज हुए, लेकिन 2000 के बाद अगर किसी एक गेंदबाज को सबसे खतरनाक माना गया तो वो डेल स्टीन ही है। वैसे तो मॉडर्न डे क्रिकेट में जेम्स एंडरसन, मिचेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड, वर्नन फिलेंडर, कई गेंदबाज हुए, लेकिन जब भी बात एशिया में गेंदबाजी की आई या फिर अपने देश से बाहर खेलने की, तो इन सभी के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई। लेकिन स्टीन इकलौते ऐसे गेंदबाज रहे जिन्हें कंडीशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उनकी कामयाबी का अपना सीक्रेट था, तेज गति से लाइन पकड़कर गेंदबाजी करते जाना। 2015 के बाद डेल स्टीन चोट से परेशान रहे। भारत के दौरे पर मोहाली टेस्ट में उन्हें ग्रोइन स्ट्रेन इंजरी हुई और फिर उनके पूरे करियर पर चोटों ने ब्रेक लगा दिया। इसके बाद स्टीन कभी भी साउथ अफ्रीकी टीम का लगातार हिस्सा नहीं रहे। डेल स्टीन ने साउथ अफ्रीका के लिए साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। उसके बाद से उन्होंने 439 टेस्ट, 196 वनडे और 64 टी20 विकेट चटकाए हैं। स्टीन 2008 से 2020 तक आईपीएल का हिस्सा रहे, उन्होंने इस दौरान कुल 97 विकेट चटकाए। वो आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लायंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद टीमों का हिस्सा रहे। इस वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।